रेलगाड़ी चुका चुक, रेलगाड़ी चुका चुक, रेलगाड़ी चुका चुक। अबे टिड्डे चुप हो जा। अम्मी रेलगाड़ी कब चलेगी? चलने वाली है बेटा, आराम से बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर सफर की एक मंजिल होती है और एक अरसे बाद वो मंजिल इतनी यादगार नहीं रहती जितना वो सफर अपनी यादें छोड़ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे गुमान के मुताबिक इस वीडियो को देखने वाले मेरे अक्सर दोस्तों ने जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेन पर सफर जरूर किया होगा। तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। ट्रेन स्टेशन की एक अजब ही कैफियत होती है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ घबराहट और एक अनजान सी फिगर का एहसास दिल पर छाया होता है। बहुत ही कोई खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ट्रेन के लिए वक्त पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन भी वक्त पर पहले से ही वहां पर मौजूद हो, वरना अक्सर पता करने पर यही मालूम होता है यार गाड़ी दौड़ रहा है आधा घंटा बाद आएगा। बिल आखिर किस्मत में लिखे इंतजार के बाद आपकी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर तशरीफ ले आती है। 39C यही है भाई? हाँ जी यही है। आ जाओ यही है। ले आओ सामान, यहाँ ले आओ, आराम से रख भाई। 20,000 का जूसर है, पैसे तेरा बाप भरेगा। आ जाओ बच्चों, तुम इधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ भाई। आपकी यही सीट है? क्यों, आपके पास भी इसी की टिकट है क्या? नहीं भाई, एहतियातन पूछ रहा हूँ। हाँ जी मेरी सीट है। अगर आपने सब्र और तहम्मुल की प्रैक्टिस करनी है ना, तो ट्रेन का सफर कर लो। पहले ट्रेन के आने का इंतजार और फिर ट्रेन में बैठकर ट्रेन के चलने का इंतजार। अक्सर सफर शुरू नहीं होता और लोग पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं। माल्टा खाओगे? नहीं बहुत शुक्रिया। खा लो। अरे नहीं बहुत शुक्रिया, आप खाएं। अजीब आदमी। हाँ इफी बोल, पेमेंट हो गई है। अबे इकबाल भाई को क्यों पकड़ा दी? इश्तियाक के पप्पा को देनी थी ना। अब इकबाल भाई कहाँ से सेट हो गया? वो तो ड्राइवर है। चलिए इश्तियाक के पप्पा है ऑनर। अबे क्या कांड कर दिया तूने? चल अभी मेरे को टेंशन ना दे, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जा रहा हूँ। अभी ट्रेन में नेट नहीं चल रहा, बाद में बात करियो। अल्लाह हाफिज। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा मंजिल पे शॉप है, दिलबर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, साल की पूरी मार्केट आपके भाई ने कॉपी है। अब सोचा जरा फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय कर ले। वेकेशंस के लिए लाहौर जा रहे हैं, बच्चों के नानके के पास। अच्छा माशाल्लाह। कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अबू जूस पीऊंगा, जूस अबू जूस। हाँ तू पी ले जूस, पे सारा सफर टॉयलेट की तलब में रही हो। नहीं भाई नहीं पीना जूस। एक तवील तारुफ के बाद बिलाखिर ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही हर कंपार्टमेंट से एक ही आवाज आती है। चल पड़ी। सफर अगर लंबा है तो मेरा मशवरा है कि अपने साथ एक किताब, एक फुल चार्जिंग वाला लैपटॉप और उसमें 2-4 मूवीज और मोबाइल में डेटा पैकेज जरूर करा कर रख लेना, ताकि वक्त आसानी से पास हो जाए। छोटे भाई नाम क्या है आपका? शेरम। यार शेरम भाई आप इस सीट पे आ जाओ। क्यों खैरियत? यार वो टीटी आने वाला है ना, तो मैंने कहा बच्चों को सुला दूं। ये बच्चा है? और अभी से क्यों सुला रहे हैं, अभी तो रात भी नहीं हुई। अरे नहीं शेरम भाई आप समझे नहीं, इसकी टिकट अंडर एज प्राइस पे है ना, वो 12 साल से कम उम्र बच्चे की टिकट नहीं होती, वो दिलाई हुई है। अभी सुला दूंगा तो टीटी की नजर में नहीं आएगा। अगर आपकी ट्रेन में रूम और दरवाजे वाला हिसाब है तो ठीक है, वरना साथ वाले कंपार्टमेंट में भी जो हालात होते हैं उनका आपको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा होता है। ट्रेन के सफर में एक रोता हुआ बच्चा जरूर होता है जो पूरा सफर चुप नहीं होता और रो रो कर सबका जीना हराम कर देता है। इसी के बरक्स एक कंपार्टमेंट से एक अंकल के खांसने की आवाज आती रहती है। और वक्तन फवक्तन चिप्स के पैकेट खुलने की आवाजें भी जारी रहती हैं। जिन कंपार्टमेंट्स में फैमिलीज होती हैं, उनमें राह गुजर अफराद से पर्दे के लिए चादर का इस्तेमाल होता है। वॉशरूम से वापसी पर अगर आप किसी गलत पर्दे में घुस जाओ तो बड़ी नादामत होती है। और वॉशरूम से याद आया, ट्रेन के वॉशरूम का तो अजीब दहशत वाला मंजर होता है।
आप जब भी वॉशरूम जाओ तो एक शख्स जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर जरूर पहले से दरवाजे के साथ खड़ा होता है। कभी अगर मजबूरन ट्रेन का वॉशरूम यूज करना पड़ जाए तो एक मशवरा ये है कि अपना मोबाइल या और कोई कीमती चीज अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में कभी ना रखना। कोई भी कीमती चीज अगर आपसे छूट गई तो सीधा पटरी पर गिरेगी। कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सफर चाहे 5 घंटे का हो या 24 घंटे का, ये लोग सारा वक्त सोते रहते हैं। बचपन में जब घर वालों के साथ ट्रेन पर सफर करते थे और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और चाय लेने के लिए बाबा ट्रेन से उतरते थे तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि कहीं ट्रेन चल ना पड़े। अच्छा, हर शहर और हर गांव के स्टेशन की अपनी कोई निशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद पर अक्सर लोगों के रिश्तेदार उनके लिए बिरयानी लेकर पहले से खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। मुल्तान आते ही सोहन हलवे बेचने वाले नजर आना शुरू हो जाते हैं। खानेवाल स्टेशन का खोया बहुत मशहूर है। कोयटा के रास्ते में मच्छ स्टेशन अपनी हलवा पूरी की वजह से बड़ा मशहूर है। वैसे ट्रेन के सफर में सबसे अनोखा रास्ता तो कोयटा का है। वो पहाड़ों से ट्रेन का गुजरना, वो सुरंगें, वो मट्टी से बने घर और किल्लियां, यकीन जानो अलग ही बात है बलूचिस्तान के रास्ते की। सफर में एक अंकल आपके कंपार्टमेंट में ऐसे जरूर होते हैं जो सफर के पहले दिन तो कंपार्टमेंट में आपके साथ होते हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हो तो वो अंकल गायब हो चुके होते हैं। कब किस स्टेशन पे उतरे किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग ट्रेन के सफर में सारी रात नहीं सोते और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो घोड़े बेच कर सो जाते हैं। अब ट्रेन में सोने पर अगर अगली सुबह आपकी आंख ना खुले तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अंडे वाला आपको खुद उठा देगा। आंडे आंडे गर्मा गर्म आंडे, नाश्ता सर, आंडे आंडे आंडे। उठ जाओ शर्म भाई, सुबह हो गई है, लाहौर बस आने को है, हम उतर जाएंगे, पे सामान का तहफ्फुज़ खुद ही करियो। कुछ खारशी लोगों का तो मशगला होता है एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाना और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रहना। एक और अनोखा एक्सपीरियंस होता है जब आपकी सीट किसी ऐसे डब्बे में हो जिसमें कोई शादी की बारात जा रही हो। अजीब ही तमाशा लगा होता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप अपने कजन या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हो। वो रात को ट्रेन में लूडो खेलने का तो अपना ही मजा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर टिकट के पूरा सफर कर लेते हैं और इस फन के सबसे बड़े माहिर होते हैं। सबसे तकलीफ दे आजमाइश तो वो होती है जब आप खर्चा करके एसी वाले डब्बे में अपनी सीट करवाओ और सफर के दौरान उस डब्बे की लाइट चली जाए। एक तो गर्मी होती है और ऊपर से शीशा भी नहीं खुलता। बिल आखिर जब सारा सफर गुजर चुका होता है और मंजिल बहुत करीब होती है और आप इस गुमान में होते हो कि बस अब मेरा स्टेशन आने वाला है, तब किस्मत आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है क्योंकि आपकी ट्रेन एक आखिरी बार अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में ही खड़ी हो जाती है और आप इंतजार करते रह जाते हो कि कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन इन सारी तकालीफ और आजमाइशों से तंग होने के बजाय अगर हम गौर करें तो ट्रेन क्या हर सफर ही बड़ा खूबसूरत होता है। खास तौर पे ट्रेन के सफर में हमें गौर और फिक्र का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और हम जिंदगी को एक मुनफरिद नुक्ता नजर से देख सकते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे हमें आबादियां और लोग गुजरते नजर आते हैं जबकि इन आबादियों और लोगों के लिए हमारी ट्रेन वहां से गुजर रही होती है। ट्रेन का सफर मुझे हमेशा इस ख्याल की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त अपनी जगह रहता है और हम इस वक्त के मुख्तलिफ खानों से गुजर रहे होते हैं। इसी सोच पर आज के लिए शहरम को इजाजत दें, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।